जो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो लाल रंग का होता है, तो ये चक्रास जो है हमारा एनर्जी बॉडीज हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, बीचों बीच शरीर के अंदर, हमने विजुलाइज करना है कि शरीर के अंदर की तरफ होते हैं। तो मूलाधार चक्र की पोजीशन आप देख रहे हो, ये लाल रंग का होता है और इसकी साउंड है लम। तो लम की साउंड आप जो है करेंगे इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। हम इन चक्रा ये चक्रा जो है हमारी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मूलाधार चक्र हमें फिजिकल स्ट्रेंथ एंड पावर दे सकता है, देता है। तो ये आप लोग इसकी एक वो ले लो, एक इसकी फोटो ले सकते हो, या आपको जी इमेज मिल भी जाएगी, आप चाहो तो इसकी फोटो भी ले सकते हो। तो ये एक क्रिएटिव एनर्जी होती है मूलाधार चक्रा की, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, हड्डियों को, किडनी को कंट्रोल करता है। इसकी साउंड है लम। फिर आता है स्वाधिष्ठान चक्रा। स्वाधिष्ठान चक्रा नेवल से नीचे होता है, नेवल नाभि से नीचे अंदर की तरफ चार उंगल, और इसकी साउंड है वम, और ये ऑरेंज कलर का है, नारंगी रंग का है। फिर आता है मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा जो है वो पीले रंग का होता है, और ये पेट के चक्र का होता है, नाभि से ऊपर होता है, और ये पावर और कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में पावरफुल फील नहीं करते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ मनी होता है। तो ये चक्रा की साउंड रम है। इसकी साउंड और इसके कलर को यूज करने से मनी मनी एक पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी है, वो हमारी लाइफ में आता है। तो रम की ध्वनि करने से, पीले रंग से हम मनी को इनवाइट करते हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह का प्रॉब्लम होता है या लिवर कनेक्टेड, तो लैक ऑफ पावर फील करते हैं अपनी लाइफ में, मणिपुर चक्र, पेट की प्रॉब्लम्स आती ही उन लोगों को है जो लाइफ में डाइजेशन का इश्यू, जो लैक ऑफ पावर फील करते हैं। तो जिनको लैक ऑफ पावर फील होता है वो मणिपुर चक्रा पे काम करें। डायबिटिक लोग, लिवर, ये सब मणिपुर चक्रा पे पीले रंग का हमें ध्यान करना है, उससे मणिपुर चक्र सशक्त होता है। स्वाधिष्ठान प्लेजर और हैप्पीनेस, सेक्सुअल एनर्जी का चक्र है। तो जिनको लाइफ में लगता है कि अरे कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, ऑरेंज कलर का पहनने से, ऑरेंज कलर का विजुलाइज करने से स्वाधिष्ठान चक्र हमारा एनर्जाइज होता है। फिर अनाहत चक्र आता है, हृदय चक्र, हरे रंग का या पिंक कलर का भी होता है, प्रेम का चक्र है। तो जब हम प्रेम देते हैं और लेते हैं तो ये चक्र एक्टिवेट होता है। जो लोग अपने प्रेम को, इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो लोग जो है हार्ट अटैक और ये सब प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो स्काई ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का, आसमानी रंग का। विशुद्धि चक्र आपके हार्ट चक्र होता है, और हार्ट चक्र से लव बहता है। तो अपने हार्ट चक्र को खोलने से, मैडम प्लीज अनाहत, हाँ मैडम जी प्लीज अनाहत चक्र वाला रिपीट करिए ना, वो इंटरनेट आता है जाता है ना, तो पूरा सुनाई नहीं दिया। अनाहत चक्र लव लव का चक्र है, प्रेम का चक्र है। तो जब आप लव रिसीव करते हैं तो आपका एक्सपेंशन होता है, और लव रिलेटेड इश्यूज होती हैं तो हार्ट अटैक वगैरह आता है। जब आपका हृदय चक्र अच्छा होता है तो ये प्रिवेंट करता है हार्ट इश्यूज को। ज्यादातर आदमियों को हार्ट अटैक्स होते हैं क्योंकि वो बहुत लव को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो लव को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है, लव लेना और देना, हार्ट चक्र उससे कनेक्टेड है। फिर आते हैं विशुद्धि चक्र पे। स्काई ब्लू कलर का होता है विशुद्धि चक्र, ये क्रिएटिविटी का चक्र है। तो ये जो है हमारा बोलने की शक्ति है, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन का चक्र है। जिन लोगों को गले में खिचखिच रहती है उनका कम्युनिकेशन चक्र इम्पैक्टेड हो जाता है। तो जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, बोलते हैं, जो लोग पेंटर होते हैं या जो लोग टीचर्स होते हैं या जो लोग लीडर्स होते हैं, उनका विशुद्धि चक्र बहुत अच्छा होता है। कितने लोग चाहते हैं कि लोग सुने, लोग उनकी बात को सुने, तो आपको बोलना पड़ेगा ना। जो लोग, अभी किसी ने कहा था कि मैं नो नहीं कह पाती हूँ, तो गले पे इम्पैक्ट आता है जब आप, क्योंकि आप बोलना तो चाहते हो नो बट बोल नहीं रहे हो, तो आप जो है नहीं कर पाओगे उससे। अभी प्रश्न नहीं ले सकते क्योंकि हमें ये करना है। अजना चक्र, अजना चक्र होता है थर्ड आई चक्र।
थर्ड आई चक्र, हम लोग बिंदी लगाते हैं सब लोग हिंदू में, क्यों लगाते हैं ये? हम लोग सोचते हैं कि ये तो मैरिटल स्टेटस है, बट मैरिटल स्टेटस नहीं है, शुरुआत इसकी हुई थी कि हमने इस चक्र को एक्टिवेट करना है। अब हम सिर्फ अनकॉन्शियसली बिंदी ठोक लेते हैं सर पे, पर अजना चक्र या इसको शिव नेत्र भी कहते हैं और आज्ञा चक्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बिंदी लगाई जाती है। और ये होता है इंट्यूशन का, परसेप्शन का, ये हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को एनर्जाइज करता है, हमारे जो लॉजिकल ब्रेन है और इंट्यूटिव ब्रेन को बैलेंस करता है। क्योंकि कई बार हम बहुत इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, इमोशनल डिसीजंस भी नहीं लेनी है, लॉजिकल भी होना है, और खाली लॉजिकल भी नहीं होना, इमोशनल भी होना है, तो उसको बैलेंस करता है अजना चक्र। तो बैलेंस ऑफ माइंड कहते हैं ना, अपने माइंड का बैलेंस नहीं लूज करना चाहिए, तो अपने माइंड को बैलेंस करने से अजना चक्र एक्टिवेट होता है। और सहस्त्रार, सहस्त्रार हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो ये हमारे जीवन जो रोशनी है, लाइट होती है, उसके सात रंग है। तो ये जीवन के सात रंग इम्पॉर्टेंट रंग है। कोई भी रंग हमारी लाइफ से चला जाए तो जिंदगी बदरंग हो जाएगी। तो हर रंग, हर चक्र इम्पॉर्टेंट है, हर चक्र पे हमें ध्यान देना है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, इन चक्रों को एक्टिवेट करना का मतलब है कि हम अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हम मेडिटेशन करेंगे, 35-37 मिनट की मेडिटेशन है, बीच में कोई बात नहीं करेगा, अपने को म्यूट पे रखेंगे और मैं स्क्रीन शेयर करेंगे हम उस चक्र मेडिटेशन की। तो इसका पहला चरण है रिलैक्सेशन। तो सीधे अपनी कमर को सीधे रख के बैठना है और हर चक्र पे आपने विजुलाइज करना है उसका कलर। तो पहला चरण है, जितना जिससे हो जाए उतना ठीक है, क्योंकि 37 मिनट है, पहली बार कर रहे हो, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर को कलर दिखेगा, पर आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है या महसूस करना है। किसी को कलर नहीं दिखता, इट इज ओके। तो पहला चरण रिलैक्सेशन, दूसरा चरण आपने जो कलर का विजुलाइज करना है कि शरीर के अंदर ये कलर का फूल खिला हुआ है, तो इस कलर को विजुलाइज करना है कि लाल रंग का लोटस, लाल रंग का कमल खुला हुआ है। तीसरा चरण है हर चक्र का साउंड, लम वम। आप लोग म्यूट पर हैं तो हमें साउंड नहीं सुनाई देगी, बट आपने जोर से उच्चारण करना है, जैसे लम फिर वम। तो जैसे जैसे निर्देश दिए जाएंगे ना आपको, वैसे वैसे हर चक्र की साउंड करना है। तीसरा एफर्मेशन, हमने एफर्मेशन पे खूब काम करा हुआ है तो सबको पता है एफर्मेशन क्या होती है। तो मूलाधार की जो एफर्मेशन है वो तीन बार बोलनी है आपको, तो तीन आपने ये करना है, एफर्मेशन तीन बार जोर से बोलनी है। हर चक्र पे अलग अलग एफर्मेशन है, अलग अलग एफर्मेशन करना है, तो ये आपने करना है। अगर आंखें बंद कर लो, अब हम मेडिटेशन शेयर करेंगे। लोग ईयरफोन्स लगा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और हम शेयर कर रहे हैं ये। हाँ मैडम, आ रही है बस। तो कैसा रहा, एक एक करके, एक एक दो दस दस सेकेंड में बताएंगे, कोई शेयर करना चाहता है कि कैसे एक्सपीरियंस रहा? मैडम एकदम कूल एंड काम हो गए थे, एकदम रिलैक्स सिचुएशन में आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं, सिर्फ हम ही हम हैं, ऐसे मतलब फीलिंग्स आ रही थी। करते हैं, कोई और कुछ बोलना चाहेगा तो एक बार आज। नमस्ते मैम, मैं श्रुति बात कर रही हूँ। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे लेकिन बैक थॉट ऑफ माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, जिससे वो चलता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता। आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना, जितना रिलैक्स कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो, जस्ट बी विद द, क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे। हमारी आदत है ना, माइंड की हैबिट है अपनी थॉट्स में जाना, तो यही आपको प्रैक्टिस करना है ना, अपनी थॉट्स को प्रैक्टिस करना ही तो प्रैक्टिस है, क्योंकि वो तो हर समय 24 घंटे किच किच करता रहता है। तो ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है अभी। तो जिनके पास आज समय निकाल के, ये 35 मिनट का मेडिटेशन है, एक बार आप सबने सुनना है, और इस वीडियो को आपने लाइक करना है और इसमें नीचे कॉमेंट्स भी डालने हैं, ठीक है? तो ये मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी। अपने आपको कैसा रहा, क्या अनुभव रहा, तो इसको आपने सुनना जरूर है एक बार जिनके पास समय है, क्योंकि ये हमारा ना क्लेंजिंग कर रहे हैं। ये हमारा जो चक्रा है वो हमारा पूरा एक तरह का पाइप है,
जिससे हम एनर्जी रे की एनर्जी रिसीव करेंगे, तो ये एक चैनल को क्लियरिंग करना है। तो अगर आप चक्रा मेडिटेशन एक करके आज रात को सोएंगे, सबके लिए रिकमेंडेड है, अपना चैनल क्लीन कर लीजिए एक बार और रात को सोना है अपने चक्रा मेडिटेशन करके, और दिन में टाइम हो तो दिन में कर लीजिएगा।